हमने नेताओं को कई बार स्टेज पर भाषण देते सुना है, पर आज हम इस वीडियो में आपको नेताओं को स्टेज से गिरते हुए दिखाएंगे। कई बार ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि गलती से कोई नेता स्टेज से गिर जाता है या फिर पूरा स्टेज ही गिर जाता है। ऐसे ही एक वाक्य केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुआ। वे किसी सभा में थे और वे कुर्सी पर बैठे थे, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरा स्टेज ही नीचे गिर गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी साहब का इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दूर से आए ये अकेला एक वीडियो नहीं है कि पूरा स्टेज ही गिर गया हो। ऐसा ही कुछ बिहार चुनावों के वक्त भी देखने को मिला। कांग्रेस नेता स्टेज पर खड़े भाजपा सरकार पर कटाक्ष कर रहे थे, तभी अचानक से पूरा स्टेज ही गिर गया। लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। स्टेज गिरने का एक और वीडियो देखिए। इसमें नेता मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी एकदम से पूरा स्टेज गिर गया। विकास का कहता है उन धर्मियों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है। हमारी पार्टी का भी कोई गलत करता है उसका साथ नहीं देती है, भाई और बहनों साथ नहीं देती है, वो चिल्लाता फिरता है। इस बात को लेकर ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टेज ही गिरा हो, कई बार मंत्री खुद भी गिर चुके हैं। ऐसा एक वीडियो हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की रैली में देखने को मिला। एक नेता योगी आदित्यनाथ के पास आने लगे, तभी उनका पैर फिसला और वे स्टेज से गिर गए। ऐसा ही कुछ गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी देखने को मिला। जब वे स्टेज पर थे तो अचानक उनका पैर फिसला और वे स्टेज पर ही गिर गए। इस तरह का एक वीडियो महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान भी देखने को मिला। एक नेता स्टेज पर आगे बढ़े पर अचानक पैर फिसलने से गिर गए। एक बार प्रधानमंत्री भी सीढ़ियां चढ़ते हुए गिर गए थे। आप वे वीडियो भी देख ही लीजिए। पूरे देश को एक संदेश दिया है। संदेश ये है कि प्रधानमंत्री मोदी कर पूरे देश को एक संदेश दिया है। संदेश ये है कि देश ये है कि नेताओं के वीडियो के अलावा एक और वीडियो काफी वायरल हुआ था, जब बाबा रामदेव हाथी पर बैठकर योगा कर रहे थे और तभी हाथी के हिलते ही रामदेव एकदम से नीचे गिरे। ये तो थे कुछ वीडियो जिसमें नेता स्टेज से गिरे हों या फिर स्टेज उन पर गिरा हो। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.